हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन 12वीं में फिजिक्स में है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये होता है कि एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है अपना। क्षेत्र मतलब अपना एक एरिया होता है जहाँ पे उसका प्रभाव रहता है। जैसे कि अगर मैं एक आवेश लेता हूँ, आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, मैं एक आवेश ले लिया प्लस क्यू आवेश लेता हूँ, तो इस आवेश, ये जो आवेश है अपना प्लस क्यू आवेश, ये आवेश अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, एक विद्युत क्षेत्र बना लेता है। मतलब अपने चारों तरफ ऐसा ऐसा करके अपना एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा, ठीक है। तो इसके चारों तरफ अपने विद्युत क्षेत्र जो बनाया, इसी तक इसका क्या होगा, प्रभाव रखने वाला है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके इसके अंतर्गत अगर जो भी दूसरा आवेश अगर आता है, समझ लो कि अपने पास रिंग क्यू आवेश आता है, तो इसको ये क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर देगा। और अगर प्लस क्यों आवेश आता है तो ये अपने को अपने से क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, अगर इस क्षेत्र के अंतर्गत आया तो। लेकिन अगर क्षेत्र के बाहर अगर रहेगा तो इसको कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो मैं आपको अगर एक एक शब्द में अगर बताऊँ तो ये होगा कि किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का एक आवेश, किसी आवेश का एक वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या होता है, प्रभाव रहता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में ठीक। अब हम लोग यहाँ पे आपने गौर किया होगा, इस क्षेत्र की वजह से, इस आवेश की वजह से अपने पास एक विद्युत क्षेत्र बना, ये अपना विद्युत क्षेत्र बना। तो जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्रोतावेश। तो इसे हम स्रोत आवेश कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। अब यह आता है कि जो आवेश इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रहकर इस आवेश का जो स्रोत आवेश है, उस आवेश के प्रभाव को क्या करता हो, अनुभव करता हो, उस आवेश को कहते हैं परीक्षण आवेश। तो ऐसा मतलब है कि इन दोनों को मैं परीक्षण आवेश कह सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आवेश क्या कर रहे हैं, इसके द्वारा, इस धनावेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल है उसका अनुभव करेगा, उसको प्रभाव देगा। तो जो प्रभाव का अनुभव कर रहा है वो होता है अपना परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को मुख्यतः हम लोग क्यों जीरो से रिपीट करने वाले हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और स्रोत आवेश क्या होता है, जिस आवेश के कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए उस आवेश को हम स्रोत आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र से लगने वाले बल का अनुभव करता हो, इसके ऊपर बल लगेगा। जैसे यहाँ पे प्लस आवेश है, प्लस आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और माइनस आवेश के ऊपर आकर्षण बल लगाएगा। तो जो अनुभव करता हो, जो आवेश इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, उसे हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। इसे हम क्यों जीरो से रिलेट करें। अब मैं आपको बताता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखो इसी से बना हुआ है। और तीव्रता का मतलब समझ लो कि अनुभव करने वाला बल, यानी जितने तीव्र वेग, तीव्र गति से या फिर तीव्र तरीके से इस चीज का अनुभव करता है, प्रभाव पड़ता है, उसे हम लोग तीव्रता कह सकते हैं। अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है तो ऐसे समझने यहीं से बताता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि जो परीक्षण आवेश होता है वो बल का अनुभव करता है, किसके द्वारा लगाया बल को, इस दूसरे स्रोत आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया था, तो उसके द्वारा लगने वाले बल का अनुभव किसने किया था, परीक्षण आवेश। तो आप इसमें कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित इस एकांक परीक्षण आवेश, इस एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जितने बल का अनुभव करता हो उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है, क्योंकि ये जो आवेश है जितने बल का अनुभव करता है उस बल को हम उस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका सूत्र आता है, इसका सूत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है कि विद्युत क्षेत्र द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया जाने वाला बल,
विद्युत क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल, और बटे में आएगा आपका परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश क्या कर रहा है, उस बल का अनुभव कर रहा है। तो ये आपका सूत्र होगा। अगर आप अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से रिपीट करें, इसको जनरली हम लोग ई से रिपीट करते हैं बड़े ई से, कैपिटल ई से, और विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया जो बल है वो अपना एफ है, और परीक्षण आवेश को हम लोग पी से रिपीट करते हैं, ये आपका सूत्र होगा। इसका सदिश रूप भी होता है, सदिश रूप हो जाएगा आपका ई। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, सदिश राशि होती है, इसे आप याद रखिएगा। और बल को आप जानते हैं सदिश राशि, लेकिन आवेश अपनी सदिश राशि नहीं होती, तो ये इसका सदिश रूप हो जाता है। मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, और तेजस मात्रक क्या होता है, और साथ ही साथ मैं इसका विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं आपको मैं निकाल के बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।